पाकिस्तान के साबिक कप्तान थे, चूंकि देखते ही हैं सोशल मीडिया पे नजर होती है। अब्दुल रजाक साहब आपको पता है ट्रेंड कर रहे हैं इस सोशल मीडिया पे, पता है आपको क्यों कर रहे हैं? हाँ जी मैं अपने नाज़रीन को भी पता ही होगा, वैसे अगर ट्रेंड कर रहे हैं ऐश्वर्या के बारे में, उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मून एक ऐसी बात की जो नहीं की जानी चाहिए थी। बात से एक औरत आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐश्वर्या से शादी करके आपके नेक संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। एंड ही सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर आजम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग ऐश्वर्या राय इन इट? देखें, आपको जब आप किसी भी, पहली बात तो यह है कि आप पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी हैं, दूसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तीसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो दुनिया भर में सुने जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, चौथी बात यह है कि लोग आपसे बेहतर गुफ्तगू की तवक्को करते हैं, पांचवी बात यह है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हों और एक अवामी सतह पर कर रहे हों तो आपको अपने अल्फाज के इंतखाब में नहायत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपको कोई हक हासिल नहीं है आप किसी भी मर्द को या किसी भी औरत को तजहीक करें, उसकी तजलील करें या इस अंदाज में फैसला सुनाएं कि वो ये नहीं कर सकता या वो ऐसा है या वो ऐसा है, आपको कोई हक हासिल नहीं। सर यहाँ पर ये भी तो पॉइंट है ना कि कहाँ अब्दुल रजाक और कहाँ ऐश्वर्या राय देखिए ऐश्वर्या का भी अपना मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, अब्दुल रजाक उनका बहुत बड़ा फॉर्मर प्लेयर है, उनका बहुत, दोनों अपनी अपनी जगह में, देखे ना किसी ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी को शोहरत ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, ये एक अलग, लेकिन वो एक जो उनकी अपने मुल्क में और दुनिया में जो उनकी अहमियत है, लोग उनको जानते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक हैसियत है। आप नाम लेकर इस किस्म की जो मिसालें हैं, ये कुछ और कह देते, मतलब आपको हाँ। मिसाल देनी आनी चाहिए ना कि हाँ। आपने क्या बात करनी है। अल्फाज का लाजिम नहीं है कि जो आपके दिमाग में है वो आपने बोलना ही बोलना है, या जो आप कह रहे हैं कि आपने बगैर सोचे समझे ही बोल देना। तो ये चीजें को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। और फिर जब आप भारत के हवाले से बात करते हैं, आप इवन अगर वहां से कोई पाकिस्तान के बारे में कर दे, अगर वहां से कोई कर दे तो आपको बुरा लगेगा। अगर कोई वहां से अब्दुल रजाक के बारे में कर दे, ठीक है, तो आपको, आप क्या उसको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया? आप यकीनन उसकी भी मजम्मत करेंगे। और जो इन्होंने कहा है, जिस एतबार से कहा, जिस तसलसल के साथ कहा और जिस एतमाद के साथ कहा, यह ख्याल है कि वो एक काबिले मुजम्मत है। और आपको मतलब जब आप 8-10 लोगों में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर आप भी हैं, जब आप एक इज्तम में बैठे हुए हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने अल्फाज के इंतखाब में, कोई भी मिसाल देने के एतबार में, और ये बहुत ही एक नामुनासिब बात थी। अच्छा, आप जानते हैं कपिल देव 1983 इंडिया की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वालों में से एक है, एंड ही इज़ अ वेटरन प्लेयर। अच्छा, वो बाबर आजम के बारे में ये कहते हैं कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, दे मस्ट शुड नो कि वर्ल्ड कप विनिंग बाबर आजम अगर नहीं है, सो ही इज़ अ गुड बैट्समैन, सो वी शुड सपोर्ट हिम। देखिए, उनकी कप्तान, उनकी बैटिंग के हवाले से तो किसी को भी कोई शक नहीं है। देखें, आप पर तनकीद होती है बेहतरी के लिए, कपिल देव साहब ने अगर उनके बारे में उनकी बैटिंग के बारे में अच्छे अल्फाज का इजहार किया है, तो पाकिस्तान में भी कोई ये नहीं कह रहा कि बाबर की बैटिंग के ऊपर कोई शक है या बाबर अच्छे बल्लेबाज नहीं है। देखिए, मसला ये है कि जब आप 4 साल किसी टीम के कप्तान रहते हैं ना, तो आप पर जिम्मेदारी होती है कि आपने 4 साल के अंदर जो आलमी मुकाबले आने हैं, आपने अपनी टीम को वहाँ पर किसी जगह खड़ा करना है। तो अगर वो नहीं खड़ा करते हैं तो बहसकीत कप्तान उनके ऊपर सवालात हो रहे हैं। इस वक्त जो सवालात हो रहे हैं ना, वो बुनियादी सवालात समझने की ज़रूरत है। इकरा साहिबा, देखें, आपका सिलेक्शन में बहुत अमल दखल था, आप टीम के सबसे ज़्यादा अहम और मजबूत और बाइख्तियार खिलाड़ी माने जाते थे और कप्तान भी थे साथ में। आपने हमेशा उन खिलाड़ियों की हिमायत की जिनको आप समझते थे कि ये ज़्यादा बेहतर हैं, और आप उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर डटे भी रहे कि मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा। तो अगर आप इस सारे अरसे में अपनी ज़िद के ऊपर या अपनी सोच के ऊपर, चले ज़िद को छोड़ दें, सख्त लफ्ज़ है, अपनी सोच के ऊपर, अपनी फ़िक्र के ऊपर और अपनी समझ बूझ के मुताबिक जिन लोगों के ऊपर आपने इन्हिसार किया, वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, और ये देखें, नवाज़ लोगों को मेलबर्न याद है, ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, लोगों को मेलबर्न याद है, लोगों को इस वर्ल्ड कप में भी नवाज़ का ओवर याद है। तो जब आप नाकाम लोगों को साथ रखें और नाकामी की दलील दें और नाकामी के ऊपर डट जाएं कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो
तो आपकी बेहतरी का अमल रुक जाता है, सफर उसका रुक जाता है। अच्छा हाफिज साहब, इनमें से बेशतर प्लेयर्स ऐसे हैं जिस तरह मोहम्मद आमिर हैं, बड़ा ही खुलकर उन्होंने बाबर पे ऊपर तनकीद की और उनके रन्स के ऊपर करते रहे, आईसीसी की रैंकिंग पे करते रहे कि वाई बाबर इज ऑन द टॉप। तो 2019 में यही वो आमिर थे जो ये कहते थे कि देर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द प्लेयर्स एंड द बोर्ड, द सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। आज वो ये कहते हैं कि सिस्टम ठीक है, कैप्टन और प्लेयर्स को बदल दें। तो इतने सालों में परफॉर्मेंस तो वैसी की वैसी है ना, तो फिर खराब क्या और बेहतर क्या? सिस्टम से मुराद एक ये हो सकता है कि शायद जो उस वक्त की टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने सिस्टम उसको कहा हो। और अगर सिस्टम की सबसे पहले तो लोग बात करते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, लोगों को ये तफसील के साथ बयान करना चाहिए कि उस सिस्टम से उनकी मुराद क्या है। सिस्टम से उनकी मुराद क्या है? वो जिन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकर्रर किया पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, वो उनके साथ नहीं चले और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बिल्कुल। आज जब वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, उन्होंने रमीज राजा की बात के ऊपर मेरा ख्याल है कि जवाब दिया था कि सिस्टम की बात नहीं, कप्तान की बात करें। कप्तान जो है वो टीम को बनाता है, टीम को खिलाता है, मुंतखब करता है, अपने खिलाड़ियों के साथ जाता है। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं। सिस्टम से मुराद ये है कि जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आपकी जूनियर क्रिकेट है, जो क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से चलता है वो उसके हिसाब में भी उसको कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, तनकीद जो है ना बाबर के ऊपर बहसीत बल्लेबाज नहीं है, ये बिल्कुल लोगों को उसमें बिल्कुल वजाहत होनी चाहिए। उनकी कप्तानी के ऊपर है, उनकी फैसला साजी के ऊपर है और उनके खिलाड़ियों को इंतखाब मुंतखब करने के हवाले से है कि वो किन खिलाड़ियों के साथ जाते हैं, क्या वो इतने अहल हैं कि उनको इतना इतना वक्त दिया जाए। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की लोग बात कर रहे हैं, आप नीचे जाके तो देखें कि पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल क्या है। आप देखें कि इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई जब मौसम थोड़ा सा गर्म था और वहाँ पर रन्स बने, पिचेस ऐसी थी कि रन्स बने, लंबे लंबे रन्स बने। उस वक्त होनी चाहिए थी वनडे क्रिकेट, 50 ओवर्स की क्रिकेट। आज के मौसम में होनी चाहिए थी 4-डे क्रिकेट। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तवील दौरानिया के क्रिकेट खेलते, बॉल सीम स्विंग करता, बैट्समैन की भी स्किल्स टेस्ट होती, उसको लंबी बारी का मौका मिलता जो मुश्किल और चैलेंजिंग कंडीशंस में। इन्होंने बिल्कुल उसको मुख्तलिफ किया है। जहां पॉइंट इज द थिंग व्हिच यू आर रियलाइजिंग, हम बात कर रहे हैं तो ये जो फैसला साज है, ये किस फोर डे क्रिकेट थोड़ी सर्द मौसम में ताकि लोगों को लंबी बारी मिले। हाँ। चार दिन बड़ी, मैं तो यही समझ आ रही जकास साहब, इतने मशवरों का करेंगे क्या? उन्होंने इतने मशवरों का एक वर्ल्ड कप करवाना, किसकी सुनेंगे, किसको वैल्यू देंगे, किसको इम्पोर्टेंस देंगे, या उनकी जो बेटे हैं वो इसका फैसला करेंगे? इतने मशवरे करने के बाद एक और मुशावरती कमेटी, जितने मशवरे उतनी कंटेदार होगा, वन साइडेड होगा या बहुत ही आसानी से कोई एक टीम जीत जाएगी। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।